विटामिन ई कैप्सूल का लंग्स में क्या बेनिफिट है, तो हम बता रहे हैं आपको लंग्स में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये लंग्स डिजीज में अच्छा वर्क करता है। जब जब लंग्स का बात आता है, चाहे वो COPD हो, अस्थमा हो, क्रोनिक लंग डिसऑर्डर हो, वहाँ पे जैसे कोविड था, दम सांस लेने में प्रॉब्लम, वहाँ पे भी विटामिन ई कैप्सूल का अच्छा यूज़ किया गया है। यानी क्रोनिक लंग डिजीज़ में विटामिन ई का बेनिफिशियल वर्क है, नेसेसिटी है, इसको दे सकते हैं। अच्छा वर्क करता है, रिजल्ट अच्छा देता है, और अस्थमा में तो खास कर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसलिए लंग्स डिजीज़ में, अगर क्रोनिक लंग्स डिजीज़ है, तो आप विटामिन ई का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब हम लोग जानेंगे विटामिन ई का डोज, कि विटामिन ई कितना mg की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में। तो विटामिन ई 400 mg आपको सुबह शाम लेने का सलाह दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसका OD डोज में भी दिया जाता है। बहुत सबसे ज़्यादा अगर देने जाने वाला अगर डोज है तो वो OD डोज है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि 800 mg आपको पर डे लेना चाहिए, ताकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन दे, जितना चाहिए उतना आपको रिजल्ट मिले। तो इसका डोज है BD डोज है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। इसका प्रिवेंशन का बात करें तो प्रिवेंशन इसका बहुत कम है, ये सब लोग लेते हैं, ओवर द काउंटर लेते हैं, इसका ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ज़्यादा प्रिवेंशन नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी भी लेते हैं, या जिसको क्रोनिक डिजीज़ भी है वो भी ये विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं।